So the concept of everything wireless excites a consumer. Wireless keyboard, wireless mouse, wireless telephone, RIP. ये हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है बिकॉज नो केबल नो हैसल. ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स भी एक बहुत हॉट टॉपिक है. सबको एयरबड्स पहन के कूल दिखना है. बट मैंने बाय करने के बाद रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत फ्लॉज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो हेलो फ्रेंड्स, हम हमेशा आए, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट जो मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है. आई पर्सनली हैव दी मीवी डुओ पॉड्स M1. जो ये केस है ये थोड़ा जीन्स के लिए थिक पड़ता है. एज अ सेड ये एक सब्जेक्टिव इशू हो सकता है क्योंकि अगर आपके पास एप्पल एयरपॉड्स है या आपके पास रियल मी बड्स एयर है, सेम थिंग, तो आपको ये इशू शायद नहीं होगा. बट मेरे को इससे रिलेटेड और एक टॉपिक के बारे में बात करना है. चलो आपको सॉन्ग सुनने का मन हुआ तो आपने आपके ईयरबड्स पहन लिए, तो आपको फिर ये केस कहीं तो रखना पड़ता है. ये इशू आपको नॉर्मल ईयरफोन्स के साथ नहीं आएगा क्योंकि आपने ईयरफोन्स पहन लिए, खत्म बात. बट आपको इस केस को कहीं तो रखना पड़ता है. सो एक ईयरबड केस से आप डायरेक्ट अपने ईयरफोन्स ही पॉकेट में घुसा सकते हैं. बट अभी आप बोलेंगे कि वैभव मेरे फ़ोन में तो हेडफोन जैक ही नहीं है तो मैं क्या करूँ. उस पर मेरा रिप्लाई होगा कि नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स है ना, वो तो आप कंफर्टेबली नेक में पहन सकते हैं और उसमें बैटरी लाइफ भी अच्छी होती है. दैट ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी लाइफ. अभी आप देख सकते हैं कि ईयरबड साइज़ में बहुत छोटे होते हैं तो इनकी बैटरी भी उतनी कम होती है. तो अभी आप बोलेंगे कि यार मैं केस में चार्ज कर लूँगा, बट सी मैं लेज़ी हूँ और मैं हमेशा चार्ज करना भूल जाता हूँ. बट लकीली मेरे फ़ोन में हेडफोन जैक है तो मैं एंड में ईयरफोन्स ही पहन के सुन लेता हूँ. सो अपने ये पॉइंट कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. अब लास्ट पॉइंट भी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव है. जब भी मैं वायरलेस ईयरफोन्स पहनता हूँ तो मुझे उनका गिरने का डर रहता है. एक बार मैं रिक्शा से ट्रैवल कर रहा था तब एक ईयरबड गिर गया. लेकिन वो रिक्शा के अंदर ही मैंने पकड़ लिया, नहीं तो फिर मैंने सब साइजेस के सिलिकॉन ईयर टिप्स ट्राई किए बट स्टिल ये फिसलता ही है और मुझे हमेशा ये डर रहता है. सो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए. सो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स जितने सेक्सी दिखते हैं उतने प्रैक्टिकली यूजफुल कभी कभी नहीं होते. सो अगर आप एक नेक बैंड और ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स में कन्फ्यूज़ है, आज ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट फिर से शुरू हुआ है तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स ज़रूर कंसिडर करना. सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में बताना कि डू यू प्रीफर अ नेक बैंड की वायरलेस ईयरबड्स. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.